नमस्ते, बीएड सेकंड ईयर आपका जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, एजुकेशन मैनेजमेंट एंड क्रिएटिविटीज इंक्लूड द स्कूल, इसके अंतर्गत अपन सिलेबस के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। उसमें फर्स्ट यूनिट के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। आज अपन सेकंड यूनिट जो सिलेबस के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स सेकंड यूनिट है अपनी। सेकंड यूनिट है जो अपनी, उसमें मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स इसमें संसाधनों का जो प्रबंध, संसाधनों का प्रबंधन, इसके अंतर्गत जो पहला जो बताया गया है कि लीडरशिप रोल ऑफ प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल, रोल इन द बिल्डिंग द क्लाइमेट ऑफ ए स्कूल, यानी कि विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की जो भूमिका, विशेषता और कौशल, प्रधानाचार्य की नेतृत्व भूमिका और भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये सारी चीज इसके अंतर्गत बताई गई है। यानी कि विद्यालय प्रबंध में प्रधान अध्यापक की भूमिका, विशेषता और कौशल प्रधानाचार्य की नेतृत्व भूमिका, फिर इसके अंतर्गत को बताया जाए भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, है ना, ये संसाधनों का प्रबंधन। फिर इसके अंतर्गत सेकंड जो बताया गया है उसमें जो बताया गया है कि मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि सामग्री संसाधन प्रबंधन, सामग्री संसाधन फिर इसी के अंतर्गत थर्ड जो बताया गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि मानवीय संसाधन प्रबंधन, मानवीय
इसी के अंतर्गत जो बताया गया है यानी कि रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, यानी कि शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षकों का पूर्वाभी मुखी करा और शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास है ना, ये जो इसके अंतर्गत संसाधनों का जो प्रबंधन है उसमें विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की जो भूमिका, विशेषता और कौशल प्रधानाचार्य की जो नेतृत्व भूमिका, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, फिर सामग्री संसाधन प्रबंधन, फिर इसी के अंदर मानवीय संसाधन प्रबंधन, शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों का पूर्वाभिमुखीकरण और शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, फिर इसी के अंतर्गत जो बताया गया है नेक्स्ट उसमें अपन अध्ययन करेंगे, इसको एक बार नोट कर लो आप। इसी में जो फोर्थ जो बताया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बुटिंग, मॉनिटरिंग एंड एडिटिंग, यानी कि वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय का प्रबोधन और वित्तीय प्रबंधन की जांच, वित्तीय प्रबंधन की जांच यानी कि निगरानी और लेखा परीक्षा, निगरानी निगरानी और लेखा परीक्षा के अंतर्गत नेक्स्ट जो बताया गया है पांचवी यूनिट में, पांचवा जो बताया गया है सेकंड यूनिट में, उसमें स्कूल कम्युनिटी सिंबल्स यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स ऑफ फॉर स्कूल डेवलपमेंट, रोल ऑफ द पीटीए एंड एसएमसी, यानी कि विद्यालय समुदाय संबंध, विद्यालय समुदाय संबंध, इसमें जो बताया गया है कि विद्यालय विकास के लिए सामुदायिक
सामुदायिक संसाधनों की उपयोगिता और इसी के साथ में जो बताया गया है शिक्षक अभिभावक संघ विद्यालय विद्यालय प्रबंधन समिति फिर इसमें नेक्स्ट बताया गया है अपना इसमें 6 पॉइंट जो बताया गया है उसमें मैनेजिंग द स्कूल सुपरविजन कॉन्सेप्ट नीड प्रिंसिपल स्कोप एंड टीचिंग क्योर ऑफ सुपरविजन यानी कि परिवेक्षक की अवधारणा परिवेक्षण की अवधारणा अर्थ परिभाषा विद्यालय परिवेक्षण की आवश्यकता विद्यालय परिवेक्षण की आवश्यकता आवश्यकता परिवेक्षण के सिद्धांत विद्यालय परिवेक्षण का क्षेत्र परिवेक्षण की प्रविधियां ना तो ये इसके अंतर्गत अपना जो शैक्षिक प्रबंधन तथा सरकारी विश्वविद्यालय का निर्माण के अंतर्गत अपना सिलेबस है उसमें सेकंड यूनिट के अंतर्गत में 6 पॉइंट है ना 3 पॉइंट पहले लिखा गया है उसमें बाकी जो वित्तीय प्रबंधन वित्त प्रबंधन का जो प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन की जांच निगरानी या लेखा परीक्षा विद्यालय समुदाय का जो संबंध यानी कि विद्यालय विकास के लिए सामुदायिक संसाधनों की जो भूमिका क्या क्या है शिक्षक और अभिभावक संघ विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है फिर आता है इसी के अंतर्गत सिर्फ जो परिवेक्षण की जो अवधारणा अर्थ परिभाषा विद्यालय परिवेक्षण की जो आवश्यकता और परिवेक्षण के सिद्धांत विद्यालय परिवेक्षण का जो क्षेत्र और परिवेक्षण की जो प्रविधियाँ है उसके बारे में अपन विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आज अपना शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय के अंतर्गत सिलेबस के बारे में फर्स्ट और सेकंड यूनिट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आप अपने नोटबुक में व्यवस्थित रूप से इसको लिख लीजिए नेक्स्ट अपन थर्ड यूनिट के बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज के लिए इतने काफ़ी हैं कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और आपको ऑनलाइन उपस्थिति अपना नाम पिता का नाम और रोल नंबर
क्रमांक लिखकर कमेंट बॉक्स में और लाइक पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।